गाय मरे या भैंस, प्रभारी डॉक्टर को सरकारी वेतन पाने से काम, पशु स्वास्थ्य व्यवस्था हुई ठप। बड़ी खबर शिवपुरी जिले के बैराड़ से है। जी हाँ, पशु चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर अर्चना धाकड़ कई दिनों से नहीं रही उपस्थित। पशु चिकित्सालय पर स्वास्थ्य व्यवस्था अस्त व्यस्त। गाय मरे या भैंस, डॉक्टर अर्चना धाकड़ को भ्रष्टाचारी और सरकार वेतन पाने से काम। जानकारी के अनुसार प्रभारी डॉक्टर अर्चना धाकड़ ककरौवा पशु चिकित्सालय पर पदस्थ हैं, जिसके अतिरिक्त बैराड़, पोहरी और छर्च का भी प्रचार है। लेकिन डॉक्टर अर्चना धाकड़ कई दिनों से किसी भी पशु चिकित्सालय पर उपस्थित नहीं रहती हैं। खास बात यह है कि प्रभारी डॉक्टर लगातार उपस्थित न रहना, इलाज न करना, हमेशा टूर पर ही घूमते रहने को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। कई बार खबर भी प्रकाशित हुई, मगर आज दिनांक तक आला अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान या कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। क्या प्रभारी डॉक्टर की मनमर्जी और तानाशाही भरा रवैया इस तरह चलता रहेगा? आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? या फिर किसान अपने पशुओं का इलाज करने के लिए इसी तरह दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे और बेजुबान बीमार पशु दर्द से कराहते हुए अपनी दर्द से भरी अंतिम सांसें गिन गिन कर पशु, गाय, बैल, भैंस भी जान गंवाते रहेंगे। कई महीनों से लगातार शिकायत, शिकवा और खबरें प्रकाशित होने के बाद भी प्रभारी डॉक्टर अर्चना धाकड़ का बाल भी बाका ना हुआ। इससे साफ स्पष्ट होता है कि आला अधिकारियों का खुला संरक्षण प्राप्त है। आगे देखना ये होगा कि पशु स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भगवान भरोसे चल रही हैं या फिर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की जाएंगी या नहीं। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुभाष तोमर। क्या कोई समस्या अस्पताल पर कैसे आया आप? अस्पताल पर पड़ाव को लेके आए तो इलाज करने की मना कर रही, बोल रहे हमारा काम नहीं है, हमारे तो 3 महीने बच्चे हैं और दारू पी के बैठे हुए हैं। अच्छा, तो अस्पताल में इलाज करने का? मैंने ये तो बोला था, मैंने किसका काम है, ये काम आदमी किसान आदमी तो अस्पताल पर ही लेके आएगा। तो अस्पताल में जो डॉक्टर है प्रभारी यहाँ पे अर्चना दाखिल, तो वो आपको मिली यहाँ पर? नहीं मिली, कभी नहीं मिली, कभी नहीं आई। मैं कम से कम अभी 4 महीने में 8-10 बार आ चुका हूँ। अच्छा, भैंस को लेके भी आया, कभी मिलती नहीं है। डॉक्टर आप बगैर इलाज कराए चले जाते हो वापस? इन्होंने किया, 2-4 बार इन्होंने किया इलाज। हाँ, खान साहब ने इलाज किया। का नाम आकम परियार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम ऊंची बरोद। ऊंची बरोद के। तो क्या कोई समस्या आप यहाँ पे कैसे आए? मैं ये बच्चिया को लेके आया सर। तो डॉक्टर है यहाँ पर अर्चना धाकड़, वो आपको मिले यहाँ पर? कोई मिलता ही नहीं है इधर। कब से? अभी 2-1 बार और घूम गया था मैं पहले। तो कितने माह से डॉक्टर यहाँ पे आई नहीं है? वो करीबन नहीं आई, 1.5 महीना से, 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए डॉक्टर यहाँ पे आई नहीं है। हाँ, आप क्या चाहते हैं? इलाज कराना चाहते हैं हम तो साहब। इलाज नहीं हो पा रहा, कार्रवाई करवा सकते हैं ऐसे आप बोलो, बोलना चाहते हो तो? उधर डॉक्टर यहाँ पे आते नहीं है, तो आप चाहते हैं कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, कार्रवाई तो सही है। तो आप यहाँ पे किस पद पे कार्य रहे हो? सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र। तो जो अर्चना मैडम है आपकी जो अधिकारी, वो यहाँ पे कब से नहीं आई? वैसे आती जाती रहती है, लेकिन अभी फिलहाल 8-10 दिन से वो यहाँ पे नहीं आई है। क्या और कहीं के भी चार्ज हैं क्या उन पे? उनके पास उनकी पोस्टिंग तो पशु चिकित्सालय ककरौवा में, उसके साथ साथ 3 जगह का अतिरिक्त चार्ज है, बैराड़ का, चर्च का और पोरी का, और पूरे विकासखंड का चार्ज है उनके पास। तो यहाँ पे 8-10 दिनों से नहीं आई लगभग जी।